बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्ट कॉलेज नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है। का क्ले वर्क्स है, ये वर्ल्ड फेमस तो है ही, लेकिन अभी क्या है इनका कोई ब्राइट नहीं होता, फ्यूचर जो ब्राइट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ट कॉलेज, आर्ट स्कूल वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ का जो भी इनका काम है बहुत बारीकी से करा हुआ होता है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। इस वक्त नदिया जिले के कृष्णनगर शहर के घुर्णी इलाके में खड़ा हूँ। कृष्णनगर का अपना बहुत पुराना इतिहास रहा है। इस जगह को पहले रुई नाम से जाना जाता था। यहाँ पर राजवाड़ी की स्थापना भवनंद मजुमदार ने 17वीं सदी में की थी। इसके बाद महाराजा रुद्र आए और उन्होंने इसका नाम बदल के कृष्णनगर रख दिया। महाराजा कृष्ण चंद्र राय इसके बाद आए और वो एक कला प्रेमी थे और वो यहाँ पर ढाका से कारीगरों को लेकर आए और यहाँ पर उनको बसाया। यहाँ पर जो कारीगर थे वो मिट्टी के खिलौने बनाते थे। तकरीबन 250 साल गुजर चुके हैं और आज भी उनके परिवार यहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, लेकिन आज उनके हालात कैसे हैं, चलिए चलकर कुछ लोगों से बात करते हैं और इस बात का जायजा लेते हैं। এখন বিজনেস পরিস্থিতি যা এই মুহূর্তে তাতে সত্যি খারাপ। এই আজ থেকে 25-30 বছরের আগে যে বিজনেস এই ঘূর্ণিতে ছিল সেই বিজনেসটা এখন নেই। ক্রেতা বেড়েছে এবং বিজনেস পরিধিও বেড়েছে, কিন্তু এখানে যে মনোপলি টাইপের বা এখানে যে লোকজন, বহিরাগত লোকজনের যে একটা আকর্ষণ ছিল সেটা একটু ডাইভার্ট করা হয়েছে। বিশেষ করে আমি বলবো, অন্তত আমার মনে হয় যে মেলা পারপাসের জন্য, মেলাতে যেই কোয়ালিটির মাল তৈরি হয় কৃষ্ণনগরে বলে ওখানে বিক্রি হয়, আদৌ মানে সেটা কৃষ্ণনগরে কিনা সন্দেহ আছে। এবং কৃষ্ণনগরের ওই কথাটি যদি ওখানে বন্ধ করা হয় তাহলে ওখান থেকে লোক অবশ্যই এখানে আসবে। মাটির মাঝখানে হয়েছে কি, মাটির জিনিসকে একটা চিপ রেটে ওই স্টোন ডাস্ট কিংবা ফাইবারের এই পিওপি, প্লাস্টার অফ প্যারিসের জিনিস করা হতো, কিন্তু মানুষ দেখেছি, আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি মূল জায়গায় মাটিতেই আসতে চাইছে এবং মাটির যে ডিসেন্সি সেটা প্লাস্টার অফ প্যারিস কিংবা স্টোন ডাস্টে আসে না। এবার স্টোন ডাস্টের ক্ষেত্রে কি হয়, তাহলে স্টোন ডাস্ট যাচ্ছে কেন, লংজিভিটি একটু স্ট্রেংথ বেশি, কিন্তু ডিসেন্সি মাটির ক্লে এবং ওই স্টোন ডাস্টের হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স। बचपन से ही इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा दादाजी, हमारा पापा जी सब लोग यहीं पर ये मिट्टी से ही काम करते हैं, तो हम बचपन से देख रहे हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्ट कॉलेज नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है। तो अगर हमारा जो सरकार है वो यहाँ पर कोई आर्ट कॉलेज या म्यूजियम वगैरह बना दिए, जिससे जो अदर जो पीपल है वो इस काम को और भी ज़्यादा आगे लेकर जा पाए, और हमको भी अच्छा लगेगा अगर हमारे पापा जी का और दादाजी का जो काम है वो म्यूजियम में रहे और बाकी जो लोग हैं वो उनसे कुछ सीखे, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे काम कर पाएंगे। हमारा कृष्णनगर का क्ले वर्क्स है, ये वर्ल्ड फेमस तो है ही, लेकिन अभी क्या है इनका कोई ब्राइट नहीं होता, फ्यूचर जो ब्राइट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ट कॉलेज, आर्ट स्कूल वगैरह कुछ नहीं है। इतना सरकार आया, हम बहुत बार बोला है सरकार को, लेकिन किसी ने नहीं सुना है, नहीं बनाया, तो इसके लिए यहाँ पर काम सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है न्यू जनरेशन के लिए। यहाँ पे आने का मेरा एक उद्देश्य है कि यहाँ से मैं चीजें ले जाके वहाँ के लोगों को और ज्यादा बता सकती हूँ कि ये इतनी सारी चीजें और भी अभी है जो डेवलप हो रही है, तो ये सारी चीजें सीखने की है। तो वहाँ पे जाके लोग क्योंकि देखते हैं, हमारे घर आते हैं और पूछते हैं हमसे कि आप इतनी ब्यूटीफुल ये स्क्रप्चर वगैरह कहाँ से लेके आए हो, तो इसलिए हम लेके जाते हैं, उनको पसंद आते हैं तो गिफ्ट भी करते हैं। हम जब भी आते हैं सबसे पहले कृष्णनगर में पुतुलपोटी आते हैं यहाँ पे सामान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का सामान सबसे बेस्ट होता है। यहाँ का जो भी इनका काम है बहुत बारीकी से करा हुआ होता है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपने सुना यहाँ के कारीगरों का ये साफ कहना है कि अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और यहाँ पे कोई कॉलेज या फिर कोई म्यूजियम बनाए तो इस कला को बचाया जा सकता है और इससे ज्यादा से ज्यादा जो युवा पीढ़ी है वो इस तरफ आकर्षित होगी। चुनाव अवसर पर है, देखना है कि यहाँ से जीतने वाला नेता इन लोगों के लिए कितना काम करता है। हमें भी इसका इंतजार रहेगा। मैं गुरविंदर सिंह, गांव कनेक्शन के लिए कृष्णनगर से।